अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन और करते हैं एसीडीसी वोल्टेज में बहुत ज्यादा काम, या आप बिलोंग करते हैं हमारे जैसे सोलर फील्ड से, तो दोस्तों आपको इस दोस्त की जरूरत यहाँ पे बहुत पड़ती होगी, जो कि एक मल्टीमीटर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कोयले के खदान से निकाले हुए ऐसे हीरे की, जो कि आपको एक अफोर्डेबल रेंज में अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ बहुत सारे फीचर यहाँ पे इसके साथ लोडेड मिलते हैं आपको, इसी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये कंपनी है वाटेक कंपनी, जिसके अंदर की आपको मिल जाता है बहुत सारे यहाँ पे शानदार फीचर। अब हमने सोलर फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है, तो महंगे से महंगा सस्ते सस्ता दोनों के दोनों हमने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करके देखे हैं। महंगे महंगे में दिक्कत ये होती है कि उसमें फीचर तो आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर वो टूट जाए गिर जाए तो आपके पास एक बहुत हैक्टिक यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वापस खरीदने की, क्योंकि एक नॉर्मल टेक्नीशियन इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे खरीद नहीं पाता इतना महंगा बार बार। और बात करें सस्ते की, तो उसमें आपको इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और ना ही इतने अच्छे पार्ट्स उसके अंदर यहाँ पे मिलते हैं। बात करें एक अच्छी रेंज यहाँ पे, एक नॉर्मल रेंज के अंदर, बीच की मिड रेंज की बात करें, एक अच्छी क्वालिटी के अंदर यहाँ पे आपको चीज मिलना बहुत मुश्किल है। फीचर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे आपको एक सवाल जरूर खड़ा करके देगी, कॉस्ट कटिंग यहाँ पे कहाँ करी गई होगी उसके अंदर। दोस्तों इसी के अंदर हमने क्या किया, रिसर्च करी और देखा कि एक अफोर्डेबल रेंज, अच्छी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे किस अपने यहाँ पे मल्टीमीटर के अंदर मिलेंगे। तो इसी रिसर्च के अंदर हमें एक मिला ऐसा मल्टीमीटर, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये आ जाता है वाटेक कंपनी का V2101 प्लस मॉडल यहाँ पे, जिसमें कि आपको एसी और डीसी दोनों यहाँ पे सपोर्टेड मिल जाते हैं इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं वीडियो में इसकी करेंगे, सबसे पहले अनबॉक्सिंग देखेंगे इसके बॉक्स में क्या क्या आता है, फिर जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में। इसके अंदर इतने ज्यादा फीचर है जो कि आपकी वीडियो हो जाएगी इसके में लंबी, तो वीडियो के साथ बने रहे, बहुत ही शानदार यहाँ पे फीचर ही रहता है। और लास्ट में बात करेंगे इसकी रेंज की, किस प्राइस रेंज में आपको मिलता है वो सुन के हो जाएंगे आप भी शॉक। तो दोस्तों कुछ एस टाइप के अपन यहाँ पे पैकेजिंग इसको देखने को मिल जाती है, ब्रांडिंग यहाँ पे, मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाता है, एसी डीसी यहाँ पे क्लाइमेटर दिख जाता है, डिजिटल क्लाइमेटर यहाँ पे, आईओसी सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स यहाँ पे सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं, जिसके क्या अपन आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन इस यहाँ पे दिख जाती है इस मल्टीमीटर की, इसमें आपको सारे बता दिया जाता है कि कितने एम्पीयर, कितने वोल्टेज, कितने फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर रहा है। इसके इतने सारे जो फीचर लोडेड ही पैक आता है, जिस चक्कर में अपन ने इसको यहाँ पे मंगाया है, वो भी अपन जल्दी यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर कई अलग वेरिएंट्स भी आते हैं जो कि एसी के अंदर आते हैं, अपने डीसी का ज़्यादा काम रहता है, तो अपन ने यहाँ पे डीसी इसके अंदर मंगाया है। चलिए खोल के देखते हैं क्या अपन को इसके अंदर मिलता है। तो सबसे पहले खोलने पर यहाँ पे आ जाता है इसका टेस्ट सर्टिफिकेट, मॉडल नंबर विद सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है इसकी मैनुअल, इसमें कि आप पढ़ के इसके बारे में सारे इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं ए टू जेड यहाँ पे इसके बारे में आप जान सकते हैं। और इसके बाद अपन को मिल जाता है यहाँ पे एक पाउच, चलिए इसको खोल के देखते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मानना पड़ेगा कुछ प्रीमियम लुक यहाँ पे ये दे रहा है। और बिल्ड क्वालिटी जिसका मुझे कि थोड़ा डाउट था कि ये कैसी देंगे, उसमें भी ये बिल्कुल फील आ रहा है पकड़ने में, कुछ आपने प्रीमियम चीज यहाँ पे पकड़ी है, आप खुद भी देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग सारी। इसको चालू करके देखते हैं, इसकी एक अच्छी बात ये लगी कि यहां से भी आप इसको कर सकते हैं और आप इसको दोनों टाइप से यहाँ पे इसको चला सकते हैं अपने रोटर को। वही सारे फीचर्स के साथ यहाँ पे आ जाता है, चलिए देखते हैं इसके साथ और यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है टेम्परेचर प्रोब, क्योंकि इसमें टेम्परेचर वाला फंक्शन भी आता है, और यहाँ पे आपको मिल जाती है टेस्ट लीड्स इसके साथ में। टेस्ट लीड्स की क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीमियम आपको मिल जाती है, और एंटी स्लिप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इसकी यहाँ पे पूरा फील। तो दोस्तों बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं इसके स्पेशल फीचर्स की तरफ, टेस्ट करके देखते हैं उन फीचर्स को कि क्या ये आपको स्पेशल फीचर यहाँ पे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं टेस्टिंग की तरफ। दोस्तों सबसे पहले फीचर बढ़ते हैं यहाँ पे अपन इसके एनवीसी फीचर के ऊपर, मतलब नॉन कंडक्टिंग यहाँ पे अपन वोल्टेज यहाँ पे कैसे नापे। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कि आपको पता नहीं है कि कैसे वायरिंग यहाँ पे आपके हो रखी है, और आप कोई ड्रिलिंग करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो वायरिंग ना कटे, तो इस टाइप से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इधर वायरिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको नॉक को घुमाना है एनवीसी के ऊपर, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा जाएगा एन सी वी नॉन कंडक्टिव वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको जो ये टॉप है इसको यहाँ पे अड़ाना है, तो आपको पता लगेगा कि आसपास वायरिंग है। अब आप इसको अड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, अब जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे वायरिंग के, तो ये आपके जो डॉट्स और ये बीप है ये बहुत तेज होती जाएगी, मतलब आप बहुत ज्यादा पास आ गए वायरिंग के यहाँ पे तीन और बीप, तो ये मतलब वायरिंग यहां से जारी है।
ये वायरिंग यहाँ से होके जा रही है, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये कम हो रही है, मतलब बहुत पास में आप वायरिंग के हैं। आप यहाँ पे ये आपका सिक्योर एरिया है पूरा, लेकिन जब भी आप किसी वायर के ऊपर होंगे तो बिल्कुल ये बीप ऐसे ही मार के बताएगा आपको। चलिए दोस्तों, तो अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, लाइव वायर टेस्ट। तो यहाँ पे लाइव वायर टेस्ट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सेलेक्ट वाला बटन दबाना पड़ेगा जिसके ऊपर लिखा जाएगा लाइव। लाइव में अपन क्या करेंगे, अपन डालेंगे रेड वाले वायर के अंदर अपना कनेक्टिंग लीड टेस्टिंग प्रोब डालेंगे, एंड अपन को चेक करना है दोनों में से फेस कौन सा है, किस या कोई आपकी वायर ऐसे खुली हुई है आपके कहीं पे भी, तो उसको अपन कैसे टेस्ट करेंगे कि उसमें करंट है कि नहीं। जब भी आप डालेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अपन ने इसमें डाला कुछ भी नहीं, इसमें डालते ही ये लाइव यहाँ पे दिखा रहा है, साथ में बीप भी बता रहा है कि बहुत ज्यादा हाई करंट यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर। तो ऐसे आप स्पेस का या आपने कोई भी लाइव वायर की या कोई वायर में कोई लाइव करंट चल रहा है उसको अगर टेस्ट करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि एक टेस्टर के थ्रू आप करते हैं, टेस्टर में आपकी लाइट जलती है, यहाँ पे आपको लाइव वायर टेस्टिंग ये पता लग जाता है कि इसमें आपका फेस आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों बात करें इसके अंदर वोल्टेज नापने की, तो आपको यहाँ पे डीसी वोल्टेज 1500 वोल्ट तक के मिल जाते हैं नापने के लिए, और एसी वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 1000 वोल्ट तक यहाँ पे नापने के लिए। तो बात करें इसके अंदर एक आपको स्पेशल फीचर मिल जाता है, वो है वीएफसी। तो यहाँ पे आप लो बाईपास फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट दबा के पहले तो एसी पे कर देना है इसको, फिर अपन को वीएफसी वाले को दबा के रखना है जिससे कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा वीएफसी। तो यहाँ पे आप लो पास फिल्टर के अंदर चल जाएंगे तो आप एसी वोल्टेज यहाँ पे नाप सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्वर्टर है या आपके पास कोई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या कोई मोटर चलाते हैं जिसके थ्रू आप वहाँ पे लो इम्पीडेंस यहाँ पे वोल्टेज आप यहाँ पे नाप सकते हैं। तो आप एसी डीसी भी यहाँ पे नॉर्मली नाप सकते हैं। अब इसको हटाएंगे, आप नॉर्मल एसी अगर आपको नापना है तो आप यहाँ पे सीधा डालेंगे अपने वायर्स के अंदर जिससे कि आपको वोल्टेज यहाँ पे दिख जाएगा आपके प्लग्स के अंदर। सेम चीज आप डीसी में भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर आप डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं, सोलर में फील्ड में काम करते हैं तो आप इस पे डीसी सेलेक्ट करके इसको आप डीसी में भी यहाँ पे नाप सकते हैं वोल्टेजेस को। दोस्तों ये क्लैंप मीटर है, तो अगला फीचर क्लैंप मीटर के ऊपर होने वाला है कि यहाँ पे जो क्लैंप है इसके अंदर अपन क्या नापते हैं, एम्पियर। तो ये एसी और डीसी दोनों एम्पियर यहाँ पे नाप सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एसी की वायर पे लगा रखा है, तो आपके जो एम्पियर चल रहे हैं अभी 8.9 समथिंग एम्पियर यहाँ पे रनिंग में आ रहे हैं। जैसे अपन इसको बंद कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें एक बहुत ही खास फीचर ये अपन को यहाँ पे देता है जिसका की है ये फीचर INR, मतलब हो गया इनरश करंट। तो ऐसी कोई भी जगह है जहां पे कि कोई मोटर है या आपको किसी चीज का भी सर्ज लोड या जिसको अपन बोलते हैं जर्क लोड पता करना है कि कितने एम्पीयर का झटका, जिसको अपन बोलते हैं कितने एम्पीयर का झटका वो मशीन या कोई भी चीज ले रही है, वो कैसे पता करें, क्योंकि वो एकदम से जाके वापिस आ जाता है एम्पीयर के अंदर की भैया एकदम से ऊपर गया फिर वापिस नीचे आ गया, तो वो कैसे पता करें कितने एम्पीयर का झटका इसने यहाँ पे लिया। तो ये फीचर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाभदायक है उन लोगों के लिए जो कि इस चीज में काम करते हैं, जैसे कि जो इन्वर्टर फील्ड में काम करते हैं उनको ये बहुत जानना बहुत जरूरी होता है कि कितने एम्पीयर का झटका उस मशीन ने उस मोटर ने लिया जिससे कि वो एक इन्वर्टर को झेलने लायक बना सके। तो अपन यहाँ पे उसी सिस्टम को यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या दबाएंगे, इसके अंदर दबाएंगे अपन INR, इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा INR00। तो जैसे ही अपन चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे अपन इसको ऑन करेंगे और जैसे इसका कंप्रेसर ऑन होएगा तो यहाँ पे जैसे वो कंप्रेसर झटका लेगा ऑन होने का, वो एम्पियर हाईएस्ट एम्पियर यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा, वो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि ये इतने एम्पियर का झटका इसने यहाँ पे लिया। चलिए तो अपन ऑन करते हैं एसी को यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एसी ऑन कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे कंप्रेसर ऑन होगा तो ये कि झटका रिकॉर्ड कर लेगा, हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि कंप्रेसर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगाएगा। तो जैसे कंप्रेसर ऑन होगा यहाँ पे वो एम्पियर रिकॉर्ड कर लेगा कितने एम्पियर यहाँ पे इसने झटका लिया। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इसने अभी यहाँ पे जो एम्पियर झटका लिया वो 38 एम्पियर का यहाँ पे झटका लिया कंप्रेसर ऑन होने के अंदर। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो जाती है, जैसे कि आपने रनिंग एम्पियर देखे थे यहाँ पे 9 एम्पियर के आसपास आ रहे थे, लेकिन जो इसने झटका लिया वो 38 एम्पियर का यहाँ पे लिया और जो भी हाईएस्ट था वो इसने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया और आपको यहाँ पे शो कर दिया। अगर ये आप किसी और चीज से नापते तो क्या होता है, 38 पे आके वापिस की आप जैसे हटाएं अपन देखें तो ये आपका 9 एम्पियर पे चला जाएगा वापिस से, तो ये झटका खा के वापस वहीं चल जाता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि एक मोटर के अंदर या इन्वर्टर फील्ड में काम करते हैं, झटका रिकॉर्ड इनको काम करने की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो इस फीचर का बहुत ज्यादा यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपन छोटा नापना चाहते हैं, अपन छोटा नाप सकते हैं, यहाँ पे 60 एम्पियर तक की रेंज के अंदर नापना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, बड़ी और छोटी यहाँ के अंदर। दोस्तों एक बहुत ही खास फीचर यहाँ पे आपको लगे देता है ये जो है टेम्परेचर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप इसके ऊपर यहाँ पे ले आएंगे इसको, तो यहाँ पे सी और एफ लिखा हुआ दिखेगा सेल्सियस और यहाँ पे फेरनहाइट अंदर।
तो यहाँ पे अभी दिखा रखा है आपको इसने 24 डिग्री यहाँ पे रूम का टेम्परेचर हो रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये टेम्परेचर तो यहाँ पे लगानी है दोनों, जिसमें कि आपको मिल जाता है एक एंड ऐसा। तो इस एंड को जैसे जैसे अपन इस एसी के पास लेके जाएंगे, इसके वेंट के पास, तो आप देखेंगे इसका टेम्परेचर चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये काम करता है कि नहीं। आप जैसे जैसे मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर जो यहाँ पे निकल रहा है वो कितना ज्यादा यहाँ पे लो आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं दूर लेके जाऊंगा तो वैसे वैसे ही ये टेम्परेचर इसका बढ़ता भी जाएगा। तो ये रूम टेम्परेचर वापस अपना रिकॉर्डिंग ले रहा है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो आपको सेलेक्ट का बटन दबाना है, तो आपको फ़ारेनहाइट में भी पता लग जाएगा कि कितना फ़ारेनहाइट यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है। इसको दबाएंगे तो आप सेल्सियस में यहाँ पे नाप सकते हैं। दोस्तों अगर बाकी सारे फीचर्स की यहाँ पे बात करें इस मल्टीमीटर के अंदर, तो बाकी सारे सेम फीचर मिल जाते हैं आपको, लो इम्पीडेंस, आपको हर्ट्स, परसेंटेज, यहाँ पे कंटिन्यूटी, डायोड, आपको कैपेसिटिव रेजिस्टेंस वगैरह, आपको यहाँ पे सारी चीज़ सेम मिल जाती है। ट्रू आरएमएस ये यहाँ पे आ जाता है, आपको 6000 काउंट यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है। अब कुछ बात करें इन तीनों बटन की भी, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर एक बहुत खास फीचर मिलता है, एक फ्लैश लाइट का फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप इस बटन को यहाँ पे दबा के रखते हैं तो ये लाइट यहाँ पे आपको जल जाती है फ्लैश लाइट के अंदर। तो आप कहीं अंधेरे में काम कर रहे हैं, कोई अंदर कोई आप चीज़ें नापनी वायर चेक करनी है, तो बैक लाइट आपको आपको फ्लैशलाइट बहुत सारा यहाँ पे काम करके देती है। अब बात करें इस वाले बटन की, तो यहाँ पे होल्ड आपको मिल जाता है, कोई भी आपको वैल्यू को होल्ड करना है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। साथ ही में आप इसको दबा के रखेंगे तो आपको बैक लाइट यहाँ पे जल जाती है। जीरो के अंदर आपको कोई भी अगर वैल्यू को जीरो करना है, जैसे कि आप वोल्टेज यहाँ पे ना अपने जीरो करना चाहते हैं तो आप जीरो दबा देंगे तो जीरो आ जाएगी। एंड INR आपको हमने पहले बता ही दिया कि इन रश करंट यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे सभी इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में यहाँ पे जान लिया, तो चलिए सबसे बढ़ते हैं हम आगे इसकी प्राइस रेंज के ऊपर। तो प्राइस रेंज की यहाँ पे बात करें तो मुझे जो ये पड़ा था सेल के अंदर, उस टाइम पे सेल चल रही थी, मुझे पड़ा था 3000 रुपीज का, ये मात्र सिर्फ 3000 रुपीज में इतनी शानदार बिल्ड क्वालिटी, इतने सारे फीचर्स के साथ आपको ये यहाँ पे मल्टीमीटर मिल जाता है, क्लैंप मीटर मिल जाता है, और क्या कुछ इसके साथ नहीं मिलता आपको। अभी करंट प्राइसिंग की बात करें तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं वाटेक से, या नीचे दिए गए नंबर पे जाके भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको कुछ प्राइस रेंज के आसपास पड़ेगा, 3500 रुपए, 3500 की यहाँ पे रेंज के अंदर आपको आसपास मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट भी आप इसमें ले सकते हैं, टैक्स आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी कोई यहाँ पे GST फॉर्म वगैरह है तो आप उसके अंदर टैक्स क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको कुछ 300 से 3500 रुपए के बीच के अंदर ही मिल जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पे मल्टीमीटर है, मेरी तरफ से 1-on-1 रिकमेंडेशन आपको रहेगी, इसके साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप चाहे बिगनर हो या प्रोफेशनल हो, सबके लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। दोस्तों बात करें वारंटी की, तो 1 साल की आपको यहाँ पे ब्रांड वारंटी मिल जाती है, साथ में एक प्रॉमिस मिलता है आपको लाइफ लॉन्ग यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी। ऐसे प्रॉमिस जैक्सन भी आपको करता है कि आपको इन्फॉर्मेटिव, इनोवेटिव और एडवांस यहाँ पे फीचर और प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे बताता रहेगा। तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जो दबा देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहे आपके नोटिफिकेशन में। दोस्तों आप देखें जैक्सन 16, मैं रोहन, मिलते हैं अगली वीडियो में।